हमारी बहन निकिता तोमर को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना ही चाहिए। हमारी बहन निकिता तोमर की बहादुरी पर हम गर्व महसूस करते हैं कि उसने इस्लाम स्वीकार नहीं की, लेकिन उसके वजह से आज देश में लव जिहाद का एक उदाहरण आप सभी हिंदुओं तक के सोए हुए सेक्युलर हिंदुओं तक के पहुंच गया है। इसका कारण देश में जो लव जिहाद हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है हिंदू युवा और हिंदू लड़कियां। क्यों क्यों मैंने हम सभी को ही दोष क्यों दिया? क्योंकि हमारी वजह से ही वह हो रहा है, क्योंकि हम जागरूक नहीं है। हम प्यार के चक्कर में, हम कहते हैं कि प्यार में मज़हब नहीं होता, धर्म नहीं होता, ये चक्कर में अपने फ्रेंड सर्कल के माध्यम से हिंदू लड़कियों को उनके पास भेज रहे हैं। कोई नहीं रोकता, सिर्फ मुसलमान रोकता है जब कोई हिंदू लड़का उसके साथ प्रेम करता है तो। क्यों? आप कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन मैं सारी जो होता है ना, जो हर क्षेत्र में होता है, क्लासेस के माध्यम से हो, कॉलेज के माध्यम से हो, सब देख चुका हूँ, जिससे हमें सभी पता है कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं। इसलिए मैं हिंदू युवाओं को कहता हूँ कि अपने लिए जागरूक रहिए, अपने बहनों के लिए जागरूक रहिए, और जहाँ जहाँ लव जिहाद दिखता है वहाँ वहाँ सतर्क रह कर रोकिए। हिंदू लड़कियों से भी निवेदन करता हूँ कि प्यार को प्यार जैसा समझिए, और लव जिहाद को क्या होता है लव जिहाद समझ कर ही प्यार में पड़िए। प्यार में तो कुछ देखा नहीं जाता, यह हमें पता है, लेकिन लव जिहाद क्या होता है यह तो भी आप समझ लीजिए, उसके बाद देखिए ना क्या होता है। धन्यवाद। जय श्री राम।